रात चूंकि बहुत दिन भर बहुत बिजी रहा था, बहुत थकान भरा रहा था, बहुत भागदौड़ रहा था, इसलिए रात में मैं आप सभी के साथ नहीं जुड़ पाया, आप सबों को लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन आज मुझे लगता है कि विस्तार से बताने का समय है, आपको डिटेल में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कल की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या सारी बातें हुई और क्या निकल के सामने आया, इस सब पर मैं संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा। और जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, जो बहुत सारे ग्रुप्स में तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं कि अंदर में ये हुआ अंदर में वो, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या बातें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक अनुभव वाली बात चल रही है कि कुछ लोगों ने अंदर में अनुभव के आधार पर फेज वाइज देने की बात कही थी, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि ये बात कब उठी, लेकिन मैं शुरुआत में बताना चाहता हूँ आपको कि शुरुआत में ही जब बैठक की शुरुआत हुई तो उसी वक्त जो है कि इस बात पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने बात को शुरू किया और कहा कि एक शिक्षा विभाग का क्या ओपिनियन है, पहले इसको आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे चूंकि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे तो उन्होंने अपना एक ओपिनियन प्रेजेंटेशन जो भी कही है वो दिया और बताया उनको, मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता, उनके पठन पाठन के तरीके और तरीकों पर बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया और कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और इस तरह की तमाम बातें शिक्षा विभाग के द्वारा कही गई। इसके बाद परिचर्चा शुरू हुई और मतलब आमतौर पर एक सहमति ही थी इस बात को लेकर कि हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, शिक्षकों को और बेहतर काम करने की जरूरत है ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, इस पर एक आम सहमति जैसी थी और सभी ने इस पर मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं उन पर सहमति जताई कि नहीं, हाँ, आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है या वर्तमान समय में जो विभाग में जो कुछ हो रहा है इस पर जो आप समझ रहे हैं क्या कुछ हो रहा है विभाग में, इस पर सबकी सहमति थी कि नहीं, ठीक है, अच्छा हो रहा है, समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है, तो बिहार की जनता में अच्छा मैसेज जा रहा है, ये सबका मानना था। और इस पर सहमति बनी कि नहीं, ठीक है, कड़ाई से होनी चाहिए परीक्षा, सॉरी शिक्षा व्यवस्था में कड़ाई होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, हर महीने जो परीक्षा की बात हो रही है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो रही है, ये सब होना चाहिए, सब पर सबकी सहमति बनी। इस पर किसी ने कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं किया, समझ गया कि नहीं, हम लोग सबके साथ हैं, जो भी कर रहे हैं उससे जनता में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए, आज तक हमने इतना कुछ किया है इनके लिए, जो कुछ किया हम ही ने किया, 1500 पर बहाल थे इनको, हम लोग यहाँ तक लेके आए और इतनी सुविधा दी है, 40,000 के करीब वेतन है और ये लोग हमसे हमारा विरोध करते हैं, हमारे बारे में बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ करना चाहिए इनके साथ तो हम करेंगे और आप लोग बताइए क्या किया जा सकता है। तो इसके बाद एक एक करके बारी बारी से सबने कहा और इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि वामपंथी दलों के दो विधायक ने, एक्चुअली एक विधायक और एक MLC साहब ने ये अपने वक्तव्य में ये प्रस्ताव दिया कि अगर सबको एक साथ देना संभव नहीं है और एक साथ नहीं दिया सकता है तो ऐसा हो कि फेज वाइज दिया जाए। फेज वाइज की बात आप देखेंगे, कुछ दिनों पहले मीडिया में भी एक MLA महोदय कह रहे थे, बार बार उनका बयान भी काफी वायरल हुआ था कि फेज वाइज दिया जाए। फेज वाइज देने की बात वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी खुद शिक्षिका हैं और 2005 से ही मेरे ख्याल से 5-6 से ही वो शिक्षिका हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने इस पारिवारिक और एक अपने व्यक्तिगत निजी एक कहिए कि मंतव्य से प्रभावित थे और वो फेज वाइज देने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अनुभव के आधार पर फेज वाइज दिया जा सकता है, ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। इस पर एक और वाम दल के MLC साहब थे, उन्होंने भी सहमति जताई कि हाँ, हमारी शिक्षक संघों से भी बातचीत हुई है, वो फेज वाइज देने पर वो सहमत है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, फेज वाइज दिया सकता है, एक अनुभव के आधार पर कैटेगरी बना करके इतने साल जब हो जाए तो उसको दे सकता है। लेकिन इस पर जब कांग्रेस की ओर से शकील अहमद खान साहब का वक्तव्य आया बोलने के लिए तो उन्होंने एकदम सिरे से डिनाई कर दिया और हम लोग पिछले तीन दिनों से जो उनके पास लॉबिंग कर रहे थे, उनको अपनी बातें जाके कह रहे थे, समझा रहे थे, उसका काफी असर हुआ और माननीय विधायक दल के नेता, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब ने बारीकी से हम सभी का पक्ष रखा, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ PET शिक्षकों का पक्ष रखा, सभी का पक्ष रखा और सभी का पक्ष रखते हुए ये कहा कि अगर डायरेक्ट देने में कोई असुविधा है, आप बिना किसी प्रक्रिया के नहीं दे सकते हैं या उसमें कानूनी अड़चन है तो ऐसा किया जाए कि उसको एक बारीक तरीके से प्रोसेस बना दिया जाए जिसमें कि सबको मिल जाए और वो प्रोसेस एक विभागीय परीक्षा हो सकती है। शकील अहमद खान साहब का आज आप अखबारों में स्टेटमेंट भी देखेंगे, दैनिक भास्कर में उनका स्टेटमेंट छपा है कि विभागीय परीक्षा की उन्होंने वकालत की है क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रेजेंटेशन द्वारा ये कहा गया था कि कानूनी अड़चन है सबको एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा देने में बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए। इस पर विजय चौधरी जी ने भी सहमति जताई कि हाँ, ऐसा कानूनी ओपिनियन तो है कि बिना परीक्षा के नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ परीक्षा यहाँ पर लेना पड़ सकता है हम लोगों को। तो इस पर एक सहमति माननीय शकील अहमद खान साहब के प्रस्ताव पर माननीय विजय चौधरी जी ने दी, उनको भी हमने पिछले संडे को भी हम लोग उनसे मिले थे माननीय मंत्री महोदय से, उनको भी हमने कन्विंस किया था, हमारे साथ बलवंत जी थे और भी साथी थे और हम लोग उसके बाद 2 दिन बाद फिर जाकर के उनसे मिले थे। मतलब पिछले एक सप्ताह से लगातार जब से ये खबर आई है
कि वार्ता होने वाली है, तो हम लोग लगातार इस चीज को लेकर के मतलब एक लॉबिंग कह लीजिए या अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी बात क्या है। और किसी भी शिक्षक को इसमें ऐसा नहीं हो कि मौका नहीं मिले, अवसर नहीं मिले राजकर्मी बनने का, सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो 2003 में ज्वाइन किए हों कि 2022 में ज्वाइन किए हों। तो इसका हमें लाभ मिला और माननीय शकील अहमद खान साहब और विजय चौधरी जी ने इस बात को प्रमुखता से वहाँ पर रखा, और मतलब रखा तो शकील अहमद खान साहब ने, लेकिन विजय चौधरी जी ने इसका बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन किया और इस बात को फिर सभी ने एक तरह से कही कि अन्य लोगों में से भी, जिसमें एक संदीप सौरभ भी थे, उन्होंने भी सहमति जताई इस बात पर, कहा कि हाँ ऐसा अगर होता है तो इसलिए भी ठीक है, समाज में अच्छा संदेश भी जाएगा कि भाई परीक्षा इन लोगों की ली गई तब ये राजकर्मी बने हैं, तो एक विभागीय परीक्षा ली जा सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि हो सकता है सभी संघों की सहमति बन जाए, कई संगठनों से हमारी भी बातचीत हुई है और उसमें उनका भी रहा है रुझान कि अगर विभागीय परीक्षा हो तो दिया जा सकता है, ऐसा कन्फर्मेशन उन्होंने कहा, लेकिन ये अगर संभावना बनती है तो ये स्वीकार्य होगी। एज कम्पेयर टू वो अनुभव वाली बात जो है, शकील अहमद खान साहब ने तो बड़ा जोर देकर कहा कि अनुभव वाली बात में क्या होता है कि जो योग्य शिक्षक हैं वो छूट जाते हैं और जो अनुभव पर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं केवल उनको ही मिल पाता है, तो जो नए ज्वाइंट टीचर हैं, जो फ्रेश हैं, यंग हैं, उनको मन में एक कहिए कि दुख पहुंचता है, एक लगता है कि हम लेफ्ट आउट हैं। इस तरह की बातें से उन्होंने समझाया और बताया भी कि आरटी और टीईटी का जो कठिन परीक्षा हुआ था, हमने एक वन पेजर नोट उन्हें दिया था, उसमें सारी बातें लिख करके दी थी। उस पेजर वन पेजर नोट से उन्होंने बताया कि कैसे कितनी कठिन टीईटी परीक्षा देकर के ये लोग पास किए हैं, 27 लाख में से 25 लाख पास किए थे, उसके बाद 2022 में भी जो इतनी कठिन परीक्षा होने के बाद एक बहाली हुई थी, तो सारी जो टीईटी शिक्षकों का पक्ष बहुत मजबूती से रहा और कहा कि सबको समान रूप से अवसर मिले। मैंने ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि सिर्फ टीईटी वालों को ही दे दीजिए, कहा कि ऐसी प्रक्रिया बने कि सबको समान रूप से अवसर मिले और वो विभागीय परीक्षा हो सकती है जिसमें सब लोग बैठे और जो भी एक मिनिमम कट ऑफ हो वो पार करके और एक राजकर्मी का दर्जा बन जाए, ऐसा प्रस्तावित है। अभी तक कोई अंतिम मुहर नहीं लगी और मीटिंग लगभग यहीं कंक्लूड हुई, फिर सबने कहा कि नहीं शिक्षा व्यवस्था की मतलब सुधार होना चाहिए, इस पर हम लोग सहमत हैं, सब लोग मिलकर के सुधार करेंगे। तो ये एक प्रस्तावित प्रस्ताव जो थे सभी के द्वारा दिया गया, जिसमें यह सत्य है कि वाम दलों के एक विधायक और एक एमएलसी यानी कि दो लोगों के द्वारा अनुभव वाली बात कही गई थी, और वो दो लोग कौन थे आप लोग भली भांति समझ जाएंगे, कल के सारे खबरों को सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन दो लोग थे जिन्होंने की वो अनुभव के आधार पर फेज वाइज देने की बात की। उनमें से एक का तो बयान भी कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, उन्होंने फेज वाइज देने की मांग की थी, तो लेकिन खुशी की बात है कि उसको बहुत मजबूती से माननीय शकील अहमद खान साहब, माननीय विजय चौधरी जी और यहाँ तक कि संदीप सौरभ जी ने भी उस बात को काफी मजबूती से काटा, क्योंकि जब शकील अहमद खान और विजय चौधरी एक पक्ष में हो गए तो संदीप सौरभ जी ने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि नहीं इस बात पर शिक्षक संघ सहमत हो सकते हैं। तो मिला जुला करके बात यह रही कि सभी की बातों को सुना गया है और सभी के सभी पक्षों पर विचार किया गया है, जो तालीमी मरकज है, जो टोला सेवक है, जो रसोईया तक है, यहाँ तक कि आंदोलन की ओर से रसोइयों की भी बात हुई, वहां पर कहा गया कि सबको कुछ रेगुलराइज कीजिए, इस तरीके से अनियमितता जो है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली वाली व्यवस्था है उसको हमने चुनाव में वादा किया था उसको खत्म करने का, उसको खत्म कीजिए, सबको कुछ सबके लिए कुछ कर दीजिए कि ताकि चुनाव में भी इसका सकारात्मक असर हो, समाज में एक मैसेज जाए कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। तो इसके बाद सारे विधायक लोग निकल कर आ गए और अंदर में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अमित सुबहानी साहब, के पाठक जी माननीय शिक्षा विभाग के मंत्री और तेजस्वी जी वित्त मंत्री जी और मतलब मुख्यमंत्री जी, ये लोग बच गए। लोग ने आपस में कुछ डिस्कशन किया है, कुछ मीटिंग की है और शिक्षा विभाग को कहा गया है कि एक प्रस्ताव फाइनलाइज किया जाए, एक प्रस्ताव फाइनल करे, मतलब क्या प्रक्रिया होगी, कैसे क्या होगी, उसको तैयार करे, उसके बाद फिर उसको कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, वहां पर डिस्कशन होगी और उम्मीद है कि जल्द ही ये होगा। जल्द मतलब हो सकता है कि 15 सितंबर को भी हो, सॉरी 15 अगस्त को भी हो, नहीं तो 5 सितंबर से पहले अवश्य हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विलंब करने के मूड में नहीं है सरकार, क्योंकि शिक्षकों का विरोध हर जगह झेलना पड़ा, सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स पर, न्यूज डिबेट्स में, तो उससे सरकार बचना चाह रही है। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में चाहती है कि गुड गुड फीलिंग के साथ जाए और सभी नियोजित शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सबको समान रूप से राजकर्मी का दर्जा हासिल करने का अवसर मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगी, ऐसी पूरी संभावना है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी के हितों की अनदेखी नहीं हो और योग्यता का भी एक जो उनको एक मन में समाज में जो मैसेज है और जो लोगों के बीच उसका भी ख्याल रखा जाएगा। हम लोग ऐसी प्रक्रिया तय करेंगे कि सबको समान अवसर मिले, चाहे 2003 में ज्वाइन हो कि 2022 में ज्वाइनिंग हो, किसी के साथ कोई भेद नहीं होगा, सबको समान रूप से अवसर मिलेगा और ये हम सभी की बहुत बड़ी जीत है। हम लोग पिछले मतलब कहिए कि 5 दिनों से जिस दिन से ये खबर मिली कि इस तरह की बैठक होने वाली है, मैं हमारे साथी बलवंत भाई समस्तीपुर से जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं, गया से हमारे नितेश जी, पटना से हमारे उदय शंकर जी, तबरेज भाई, अकमल भाई, हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कल तो हम लोग विभिन्न संगठनों के जो भी लोग थे एकजुटता से इसमें लगे रहे, विभिन्न विधायकों के पास जाके मिले, हमने अपनी बात को रखा। खैर ठीक है, उनमें से
कुछ ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी बातों से इतर जाकर के वहां प्रस्ताव रखा, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सबके पास गए और सबको अपनी बात सुनाई, कन्विंस करने की कोशिश की। और उसमें से खास करके जो हम लोग शकील अहमद खान साहब से मिले, माननीय विजय चौधरी जी से मिले, वो बातें बहुत ही सटीक रही। उन दोनों से मुलाकात हमारा बहुत ही सफल रहा और उसी मुलाकात की वजह से ये एक परिदृश्य बना है कि किसी की कोई अनदेखी नहीं होगी, सबको समान रूप से अवसर मिलेगा। जो भी हमारे साथी इस पूरे मुहिम में पिछले 5 दिनों से लगातार लगे रहे और जो साथी हमारे 3-4 महीनों से संघर्ष करते रहे हैं, विभिन्न जिलों में जो निलंबित हैं, इन पे कार्रवाई हुई है, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपील करता हूँ कि हम लोगों को जब तक अंतिम प्रारूप नहीं आ जाए हमको लगे रहना है, क्योंकि देखिए कुछ लोग अभी भी लगे हुए रहेंगे कि जो अनुभव की बात वहां कहवाए थे वो चाहेंगे कि इस तरह का कुछ ना कुछ कंडीशन बीच में कहीं कोई क्लॉज में घुसवा दिया जाए। लेकिन साथियों हम लोग किसी तरह के टर्म एंड कंडीशन को नहीं मानना चाहते हैं, सबको समान रूप से अवसर मिले। अगर परीक्षा भी नहीं ली जाती ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई विभागीय हल्की सी परीक्षा होती भी है तो उसमें सबको बैठने का अवसर मिले, सबको समान रूप से मिले, इस तरह का हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग को अगले 1 महीने जब तक कि फाइनल ड्राफ्ट नहीं आ जाए हम लोग को सजग रहना है, तैयार रहना है, लगे रहना है इसमें, कहीं से भी कोई चूक नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग सो गए और बीच में कुछ उधर गड़बड़ कुछ खेला हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। आप सबका सहयोग मिलता रहे, साथ मिलता रहे, इसके लिए आप लोगों को विनम्र प्रार्थना है कि आप साथ और सहयोग देते रहें। और आप ही की वजह से मतलब हम लोग इतना संघर्ष कर पाते हैं, लड़ पाते हैं, निलंबित हैं और देखते हैं आप टीवी डिबेट में, न्यूज डिबेट में हम लोगों को क्या क्या नहीं बोल दिया जाता है, फिर भी हम लोग धैर्य रख करके संयम रख करके लगे हुए हैं। आप सबका साथ सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग इसी प्रकार से मतलब संघर्ष करते रहेंगे। और इस बार जो हमारी जीत होगी कहिए कि बहुत बड़ी जीत होगी, कि टीटी शिक्षक हों, पूर्व से नियोजित शिक्षक हों कि नए बहाल शिक्षक हों, सब एक समान एक साथ विद्यालय में अध्यापक बनेंगे और राजकर्मी बनेंगे, एक साथ मिलकर के पढ़ाएंगे और विद्यालय का वातावरण बेहतरीन होगा, शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन होगी, इस बात का हम लोगों को पूरा उम्मीद है। आप सभी साथियों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और निलंबन वगैरह की जो प्रक्रिया थी उस पर भी फिलहाल चर्चा नहीं हुई, अंतिम रूप से जब निर्णय होगा तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी, उसके लिए घबराना नहीं है। हम लोग उसके लिए सभी संगठन के लोग आपस में बात विचार विमर्श कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, बने हुए हैं, जुड़े रहिए, सहयोग समर्थन करते रहिए। धन्यवाद। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।